हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य चावी। होप यू डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम कोडिंग चैलेंज टू स्टार्ट करेंगे बेसिकली, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे पार्ट वन का, मतलब फंडामेंटल्स का। इसके बाद फंडामेंटल्स का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कोडिंग चैलेंज सबसे पहले 3 स्टार्ट करते हैं। 4 नहीं, 2 नहीं, 3। और 3 में है हमारे पास, देर आर टू जिमनास्टिक्स टीम, डॉल्फिन्स एंड क्वालास। दे कम्प्लीटली अगेंस्ट ईच अदर 3 टाइम्स। द विनर हाईएस्ट एवरेज स्कोर विन्स अ ट्रॉफी। योर टास्क, कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ईच टीम यूजिंग टेस्ट डेटा बिलो। कंपेयर टीम एवरेज स्कोर टू डिटरमाइन द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन। ओके, एंड प्रिंट इट टू द कंसोल। डोंट फॉरगेट दैट देर कैन बी अ ड्रॉ, सो टेस्ट फॉर दैट एज वेल। ड्रॉ मीन्स दे हैव सेम एवरेज स्कोर। ओके, बोनस वन, इंक्लूड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम स्कोर ऑफ 100, विच दिस रूल अ टीम ओनली विंस इफ इट्स अ हायर स्कोर देन अदर टीम एंड द सेम टाइम द स्कोर ऑफ एटलीस्ट 10 100 पॉइंट्स। एंड यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉर टेस्ट फॉर मिनिमम स्कोर एंड एज वेल एज मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक्स। ठीक है, तो सिंपल है कि डॉल्फिन्स और कोआलास का निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा बिकॉज मैं नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट करके इसमें कर दिया मैंने स्कोर डॉल्फिन्स, स्कोर डॉल्फिन्स इक्वल्स, और ये जो है हमारे पास 96, 108 और 89, इनको प्लस कर देते हैं। 96 प्लस 108 प्लस 89 एंड डिवाइडेड बाय 3। कॉन्स्टेंट स्कोर प्लस, और ये आ गया हमारे पास 88 प्लस 91 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 3। सही, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, इसको अब हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम कर देते हैं स्कोर डॉल्फिन्स कॉमा स्कोर वालास। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इसका इंस्पेक्ट आ गया, से कंसोल में जाते हैं। तो ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, चैलेंज 3 ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसको भी मैंने सेव, और डेवलपमेंट टूल में आया। चैलेंज 3 लाइन नंबर 24, कंसोल इज नॉट डिफाइंड। व्हाई कंसोल इज नॉट डिफाइंड? ओ ओके, नाउ तो ये आ गया डॉल्फिन्स का स्कोर और कॉलास का स्कोर। ठीक है, मतलब सब कुछ प्लस होने के बाद फिर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्योंकि सवाल पढ़ने से पता चल जाता है या कोई क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाता है कि उसमें क्या यूज है, क्योंकि इसमें कंपेयर करना, तो कंपेयर हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। इफ डॉल्फिन ग्रेटर देन स्कोर क्वालस, सो कंसोल डॉट लॉग स्कोर। सो ये करने के बाद डॉल्फिन्स आर हैविंग बेटर स्कोर देन क्वालस, या फिर या दिस कैन बी डन, डॉल्फिन्स डॉल्फिन्स आर, ठीक है,
और इसके बाद दोबारा से इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, और इफ स्टेटमेंट लगाने के बाद या फिर यहाँ पर मैं एल्स इफ लगा देता हूँ, एल्स इफ स्कोर क्वालास स्कोर डॉल्फिन्स। ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए, तो कर लें कंसोल डॉट लॉग क्वालास आर हैविंग बेटर स्कोर देन डॉल्फिन्स। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा से एल्ज़ेफ स्कोर डॉल्फिन्स इज इक्वल्स टू स्कोर क्वालस। तो क्या करना है, बोथ आर विनर, सही, या फिर बोथ ऑफ देम आर विनर। इसे सेव करते हैं, डेवलपमेंट टूल्स खोलते हैं, लाइन नंबर 26 में एरर है। क्या एरर है भाई, कंसोल डॉट लॉग किया है यहाँ पे, किया है इफ स्टेटमेंट में, सब सही है यहाँ पर, तो फिर क्या एरर हो सकता है यहाँ पे, इसको मैं सही करता हूँ। एंड इसको मैंने सही किया, या फिर से कर देते हैं क्वालस, एंड इसे भी कर देते हैं क्वालस Okay, dolphins are having better score than koalas. Okay, done. So dolphins are having better score than koalas. So अब क्या हम कर सकते हैं इसमें, अब मैं ये करता हूँ कि ना स्कोर कोलास को जरा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो लाइन नंबर 3 में एरर आ गया, लाइन नंबर 28 में एरर आ गया। क्या रहा है, स्कोर कॉलस ग्रेटर देन स्कोर डॉल्फिन, तो खराब हो गया हमारा पूरा एल्गोरिथम। सो अगर कॉलस का ज्यादा स्कोर होगा तो कॉलस शो कराएगा, अगर डॉल्फिन का ज्यादा स्कोर होगा तो वो डॉल्फिन शो कराएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है कोडिंग चैलेंज 4, और ये काफ़ी छोटा सा है इसमें, क्योंकि हमें वही जॉन का BMI वगैरह जो भी हमने कैलकुलेशन की थी उसी का फोकस करना है। तो मैं जो मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने करवाया था वो मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाके, उसके बाद कांस्टेंट कर लिया है, उसके बाद इफ करने के बाद मैंने दे दिया यहाँ पे BMI मार्क ग्रेटर देन BMI जॉन, और अगर ऐसा हो तो कंसोल डॉट लॉग कर लो और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद सो कर दो मार्क्स BMI प्लस BMI mark is higher than John's, हो गया, और इसमें प्लस कर देते हैं BMI John और सेव, और उसके बाद इसमें लगा देते हैं एल्स स्टेटमेंट को, और एल्स लगाने के बाद मैं कर देता हूँ इसमें कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं जॉन्स BMI प्लस BMI
John is lower than Mark's. Plus BMI Mark. सही हो गया. फिर दिया मैंने उसके बाद. और हाँ, जब भी आप ये करें और अगर आपने कोडिंग चैलेंज 2 किया हुआ है थिंक सो पहले से, या दिस इज 2, अगर आपने 2 किया हुआ तो उसको कमेंट आउट कर दीजिए, क्योंकि सारी फाइल्स आपस में लिंक्ड हैं, सो दैट्स वाई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो मार्क्स BMI इज हायर देन जॉन्स. ठीक है, तो ये कोडिंग चैलेंज हो गई है. तो फंडामेंटल्स का, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स का नेक्स्ट वीडियो में. सेकंड पार्ट होगा जिसमें एरेज, लूप्स वगैरह होंगे. सो थैंक यू सो मच.